ई एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक्सेल में ऑटोमेटिकली नंबर्स रो और रो फंक्शन के बारे में जानेंगे कि कैसे हम इसके द्वारा ऑटोमेटिक तरीके से सीरियल नंबर्स लिख सकते हैं। हाँ, तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि रो फंक्शन कैसे काम करता है और हम ऑटोमेटिक कैसे जो हमारी ये कॉलम है इसमें आसानी से हम अपने आप ऑटोमेटिक तरीके से नंबर जनरेट कर सकते हैं। हमें बार बार टाइप करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आपको वन टाइप किया आपने कीबोर्ड से, टू टाइप किया, थ्री करा, तो ये वाली जो चीज़ है मैनुअल, इसको हम ऑटोमेटिक तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत समय लगेगा और अगर हमारे पास 30 से 40 हज़ार डेटा है तो इतना सारा को सीरियल नंबर देना आसान नहीं है। तो इसको हम आसान तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे हम इसको करेंगे। जैसे वन हमने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे हम टू लिख देंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे, इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे। आप सिलेक्ट करने के बाद आपने देखा वन और ये टू हाईलाइटेड हो गया। अब आप इसे पकड़ के कहीं भी ले जाएंगे तो ऑटोमेटिक तरीके से नंबर इसमें लिख देगा। जैसे देखिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8 इनको बोल्ड करके हम भी देख लेते हैं। यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं ताकि आपको सही ढंग से ये दिखाई दे। तो ये देखिए, ये ऑटोमेटिक तरीके से आ गए। इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। आपको यहाँ पे फार्मूला आप देख रहे हैं, यहाँ पे फार्मूला, ये फार्मूला फंक्शन है। तो यहाँ पे इजिकल टू हम लगाएंगे और उसके बाद रो, आर ओ डब्लू, ये रो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये रो फंक्शन है। रो को आप क्लिक करके फिर यहाँ पर, यहाँ पे करने के बजाय यहाँ पे पहले आप वन डाल देंगे। वन डालने के बाद आप यहाँ पर रो लिखेंगे, आर ओ डब्लू रो, और फिर ब्रैकेट के अंदर आप क्या करेंगे, एक एक करके आपको प्लस करना है। तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हमने निशान लगाना भूल गए थे इजिकल टू का, तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये इजिकल टू का हमने निशान लगाया, अब ये फार्मूला बन गया। अब इस ब्रैकेट के अंदर हम पहले ये वाला सेल, जो हमारा सेल है 2F, उसको ले लेंगे। यहाँ पे क्लिक किया और इसको फिर हम यहाँ से सेल को यहाँ से क्लोज कर देंगे। अब इसको हम इंटर करेंगे तो आपने देखा वन के बाद ये टू आ गया। ये फार्मूला है और ये बिना फार्मूला के सेल है। अब इस फार्मूले को आप यहाँ से ड्रैग करिए, नीचे ले जाइए और आप देखेंगे तो ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर देगा। तो ये था रो फंक्शन, जो हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जब हमें बहुत अधिक मात्रा में डेटा में सीरियल नंबर डालना पड़ता है, तो इसके माध्यम से हम ऑटोमेटिक नंबर डाल सकते हैं। आगे भी हम और फंक्शन की चर्चा करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।